मन जब से राज्य बना तब से हमेशा वहां सरकार बदलती रही, हर चुनाव में सरकार बदलती रही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड की जनता ने भी फिर से दोबारा और पहली बार दोबारा सरकार बनाई है और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया। अगर हम बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से अब हमारी सरकार बन रही है, यह परिस्थिति आई है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। यह रसायन शास्त्र का मोदी जी की गरीबों के प्रति जो वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको सशक्तिकरण देने का काम मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, और इसलिए रसायन शास्त्र का गरीब व्यक्ति को जो वंचित था उसको रस मिलता है तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मिलता है, कार्यक्रमों से मिलता है, इसको हमको याद रखना चाहिए। लंबे समय तक एक राजनीति चल रही थी, वह राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इनकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति बदल दी, उसकी संस्कृति बदल दी। अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है, काम करोगे, जनता के बीच में जाओगे और जनता का आशीर्वाद लोगे। आज विकास की राजनीति है, इसी तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना है और 2024 में भी इससे और आगे बढ़ करके जाना है और आप सब कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास अपना जारी रखना है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।